हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया के कंपैरिजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम इंडिया के स्टेट्स और सिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कंपेयर करेंगे दिल्ली और कोलकाता के बीच। दिल्ली और कोलकाता में से कौन सा शहर है बेस्ट, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं एरिया की, यानी कौन सा शहर कितना बड़ा है। अगर दोस्तों कोलकाता की बात करें तो केएमसी यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आने वाला एरिया है 205 स्क्वायर किलोमीटर। और दोस्तों मेट्रोपॉलिटन शहर कोलकाता, जो कि सब अब भी इंक्लूड होगा जिसमें, उसका कुल एरिया है 1800 स्क्वायर किलोमीटर। वही दोस्तों अगर दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली का कुल मिला के एरिया है, यानी एनसीटी का, नेशनल कैपिटल रीजन का एरिया है 1482 स्क्वायर किलोमीटर। और दोस्तों ये 1482 स्क्वायर किलोमीटर पूरा का पूरा ही एमसीडी के अंडर आता है, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। यानी दोस्तों अगर एज अ शहर की बात करें, शहर के एरिया की बात करें, तो कोलकाता से करीब करीब 7 गुना ज़्यादा बड़ा है दिल्ली। पर दोस्तों अगर सब अप की बात करें, यानी दोस्तों आउटस्कर्ट्स भी मिला ले, सब कुछ मिला ले, तो कोलकाता थोड़ा सा बड़ा है दिल्ली से। अगर दोस्तों हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में दिल्ली और कोलकाता ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया में कुल मिला के 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में कुल मिला के 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, यानी कि 1 करोड़ का फासला है। 1 करोड़ से कोलकाता पीछे है। दोस्तों कोलकाता ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, ईस्ट इंडिया की शान है। सारे बड़े काम ईस्टर्न इंडिया में कोलकाता से ही होते हैं। और दोस्तों दिल्ली नॉर्थ इंडिया की शान है। नॉर्थ इंडिया में सारे बड़े काम, पॉलिटिकल से लेके बिजनेस तक, सब कुछ दिल्ली में होता है। तो दोस्तों दोनों ही शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली अभी भारत की राजधानी है और कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कोलकाता भी एक समय में भारत की राजधानी थी। दोस्तों अब करते हैं दोनों शहरों की इकोनॉमी का कंपैरिजन। दोस्तों कोलकाता एक समय में पूरे भारत के ट्रेड का हब था। यहाँ तक कि अंग्रेज भी जब भारत में आए थे तो बंगाल से ही आए थे। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत भारत में कोलकाता से ही की थी, क्योंकि दोस्तों कोलकाता में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, चाहे वो पोर्ट हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, सब कोलकाता में मौजूद थे। कोलकाता इस समय ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फाइनेंशियल हब है। कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज भी कोलकाता में मौजूद है, और दोस्तों कमर्शियल मिलिट्री बेस का हब है कोलकाता ईस्ट इंडिया में। कोलकाता में भारत का मेजर पोर्ट और ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट मौजूद है। और दोस्तों अगर कोलकाता की जीडीपी की बात करें तो वो 60 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर तक आका जा रहा है। और दोस्तों ये माना जा रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कोलकाता दिल्ली और मुंबई के बाद सबसे प्रोडक्टिव मेट्रोपॉलिटन सिटी है। दोस्तों कोलकाता में यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग फोटोग्राफिक स्टूडियो बॉर्न एंड शेफर्ड भी कोलकाता में है। और दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मेजर ब्रांच भी कोलकाता में है। हालांकि दोस्तों कोलकाता के ज़्यादातर लोग, 40% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, पर दोस्तों कोलकाता में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी मौजूद है, जैसे कि ITC लिमिटेड, CESC लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्री, इमामी, एवरीडे, लक्स, रूपा, बर्जर पेंट्स, बिरला कॉरपोरेशन, पियरलेस, ब्रिटानिया, फिलिप्स, ये सारे दोस्तों कोलकाता में मौजूद है और इनके हेडक्वार्टर्स है। इसके साथ साथ दोस्तों माइनिंग में कोल इंडिया लिमिटेड भी यहाँ पे मौजूद है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, टाटा स्टील, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, टी बोर्ड ऑफ इंडिया और दोस्तों बंधन बैंक का भी हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मौजूद है। वही दोस्तों अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की इकोनॉमी कोलकाता से लगभग दुगनी है। दिल्ली की जीडीपी 160 बिलियन डॉलर से लेके 350 बिलियन डॉलर तक आकी जा रही है, जो कोलकाता से बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ पे दोस्तों कोलकाता में लोगों की एवरेज सैलरी 10 से 15 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में है, वही दिल्ली में 25 से 30 से 35 हज़ार यहाँ की एवरेज सैलरी है।
दोस्तों दिल्ली में बहुत सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनियां मौजूद है जो कि सर्विस सेक्टर में काम करती है और आईटी सेक्टर में काम करती है, जैसे कि गूगल इंडिया, टेली परफॉर्मेंस इंडिया, एचसीएल, सैप, टाटा कंसल्टेंसी। ऐसे दोस्तों बहुत सारे कंपनीज दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट दिल्ली में चलते हैं जिससे कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दोस्तों पूरी दुनिया में या इंडिया में कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं होगी जिसका कि जोनल हेडक्वार्टर्स या फिर एक बड़ा ऑफिस दिल्ली या एनसीआर में नहीं होगा। सारी कंपनीज का बड़े से बड़ा ऑफिस दिल्ली एनसीआर में मौजूद है और दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही अच्छा खासा है। दिल्ली के लोगों की एवरेज इनकम और एवरेज लाइफस्टाइल कोलकाता के लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर है। ये गलत नहीं होगा कहना कि कोलकाता के लोगों से डबल कमाते हैं दिल्ली के लोग। वही दोस्तों अगर हम टूरिज्म की बात करें, देखने की जगह की बात करें, तो दोस्तों दिल्ली में ज़्यादातर आपको मुगल आर्किटेक्चर मिलेगा देखने को और कोलकाता में आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर मिलेगा देखने को। दोनों बहुत ही अलग है। दिल्ली में भी ब्रिटिश आर्किटेक्चर मौजूद है पर कोलकाता के ब्रिटिश आर्किटेक्चर के सामने दिल्ली का आर्किटेक्चर थोड़ा फीका नज़र आता है। दिल्ली में आपको मुगल एरा के बिल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों दिल्ली में आपको इंडिया गेट, हुमायूं टॉम, लाल किला, लोटस टेम्पल ये सब देखने को मिलेगा। वही कोलकाता में दोस्तों आपको साइंस सिटी, विक्टोरिया मेमोरियल, शहीद मीनार, हावड़ा ब्रिज ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों घूमने के नज़रिए से बात करें तो कोलकाता में देखने के लिए ज़्यादा है आपके पास। कोलकाता में बहुत सारी ऐसी जगह है इंजॉय करने के लिए और घूमने के लिए, जैसे कि पार्क्स हो गए, बहुत सारे म्यूजियम्स हो गए, बहुत सारे घूमने की जगह, एम्यूजमेंट पार्क हो गए, वो कोलकाता में दिल्ली से ज़्यादा है। दोस्तों अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिल्ली में दिल्ली की जान है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो पूरे ऑल ओवर दिल्ली में कनेक्टेड है और हर एक जगह पे मेट्रो पहुंची हुई है। आप जहां भी जाना चाहे आप मेट्रो में इजीली एसी की हवा खाते हुए और बिल्कुल टाइम पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। वही बात करें कोलकाता मेट्रो की, तो दोस्तों कोलकाता मेट्रो भारत का पहला मेट्रो था, पर दोस्तों बनने के बाद वो बहुत ही स्लो स्पीड से एक्सपैंड हुआ और कोलकाता मेट्रो के आधे मेट्रो में एसी भी नहीं है और कोलकाता का मेट्रो कोलकाता के हर हिस्से को नहीं जोड़ता है। पर दोस्तों कोलकाता में मेट्रो तो नहीं जोड़ता है, पर दोस्तों लोकल ट्रेन कोलकाता के हर एक हिस्से में पहुंचा हुआ है और लोकल ट्रेन कोलकाता के लोगों की जान है। वही ये सुविधा दिल्ली में आपको नहीं मिलेगी। दिल्ली में आपको लोकल ट्रेन नहीं मिलेगा। वही दोस्तों बात करें बस सर्विस की, तो दिल्ली में ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत बस चलते हैं। कोलकाता में सब हिस्सों में लग्जूरियस बस, एसी बस नहीं चलते हैं जो कि दिल्ली के हर पार्ट में चलते हैं। और दोस्तों अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अच्छा बना दिया है महिलाओं के लिए। जहाँ पे दोस्तों दिल्ली के लोग ज़्यादातर ऑटो और ऊबर ओला का इस्तेमाल करते हैं, वही कोलकाता में अभी भी टैक्सी चलती है और टैक्सी बहुत ही कम रेट में आपको कहीं भी पहुँचा देगी। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिल्ली के पास नहीं है बट कोलकाता के पास है, कोलकाता का ट्राम। जी हाँ दोस्तों कोलकाता के पास अभी भी ट्राम मौजूद है पर ट्राम बहुत ही धीरे चलता है। अगर आपको कहीं जाना है, बहुत ही जल्दी जाना है, तो ट्राम का यूज़ लोग नहीं करते हैं, पर ट्राम जस्ट अभी शो के लिए है। पर बंगाल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि ट्राम को एक बहुत अहम हिस्सा बनाया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। दोस्तों अगर रोड्स की बात करें तो ये छुपा हुआ नहीं है कि दिल्ली के रोड्स पूरे इंडिया के सबसे बेहतरीन रोड्स है। दिल्ली में इतने फ्लाईओवर्स हैं, इतने ब्रिजेस हैं कि दोस्तों पूरे इंडिया में इतने फ्लाईओवर्स कहीं भी नहीं है। दिल्ली के रोड्स बहुत ही चौड़े हैं और बहुत ही सेफ है। कोलकाता के भी अभी मेन मेन जगहों के रोड्स बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बहुत ही सेफ, बहुत ही चौड़े और बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं, पर दोस्तों दिल्ली के कंपैरिजन में अभी कोलकाता पीछे है। दोस्तों दिल्ली में 80% हिंदू रहते हैं, 12% मुस्लिम रहते हैं और 4% सिख रहते हैं। दिल्ली की मेन भाषा है हिंदी और उर्दू। वही कोलकाता में 77% हिंदू रहते हैं और 20% मुस्लिम रहते हैं। वहाँ की मेन भाषा है बंगाली। अगर हम खेलकूद की बात करें तो खेलकूद में कोलकाता थोड़ा आगे नजर आता है। कोलकाता में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में ईडन गार्डन्स मौजूद है, फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम सॉल्ट लेक स्टेडियम मौजूद है। वही दिल्ली में क्रिकेट में फिरोशा कोटला मौजूद है और फुटबॉल में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मौजूद है। पर दोस्तों
खेल के पैशन और जज्बा अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कोलकाता में ज्यादा मौजूद है। फुटबॉल के लिए पैशन और क्रिकेट के लिए जुनून आपको कोलकाता वासियों में देखने को ही मिलता है। दोस्तों, अगर हम दिल्ली और कोलकाता की खाने की बात करें तो इन दोनों जगहों का खाना भी बहुत अलग है। कोलकाता में आपको बहुत बढ़िया नॉनवेज, बिरयानी, फिश फ्राई ये सब और कटलेट जैसी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिलेंगी। वहीं दिल्ली में आपको पाव भाजी, छोले भटूरे, पापड़ी चाट ये सब बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। दिल्ली अपने बटर चिकन और तंदूरी चिकन के लिए फेमस है, वही कोलकाता इससे बिल्कुल अलग अपने बंगाली क्यूजीन, जिसमें कि मछली आती है, जिसमें कि बहुत सारे वैरायटी नॉन वेज वैरायटी डिश आते हैं और मुगलाई खाना आता है। कोलकाता में आपको स्नैक्स आइटम दिल्ली से बेहतर और दिल्ली से कम रेट में मिलेंगे। दिल्ली में जैसे कि आपको भले पापड़ी, पापड़ी चाट, चाउमीन वगैरह अच्छे मिल जाएंगे, पर कोलकाता में वैरायटीज काफ़ी मिलेगी, जैसे कि मुगलाई कटलेट, आपको काठी रोल्स, मोमोज ये सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे और बहुत ही अच्छे मिलेंगे। यहाँ तक कि कोलकाता का फुचका भी दिल्ली से कुछ लोग बेटर मानते हैं। अगर दोस्तों हम फेस्टिवल्स की बात करें तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय माना जाता है। कोलकाता पूरे साल सेलिब्रेट करता है। कोलकाता में आपको हर साल कोई ना कोई पूजा यानी कोई या फिर कोई ना कोई फेस्टिवल मिल जाएगा। दिल्ली में लोगों के पास वक्त थोड़ा कम है सेलिब्रेट करने के लिए, पर दोस्तों जब सेलिब्रेट करना होता है, होली, दिवाली, रामलीला कुछ भी होता है, दिल्ली वाले बहुत ही धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करते हैं, पर दोस्तों कोलकाता वाले पूरे दिल से करते हैं और टाइम निकाल के आराम से बढ़िया तरीके से सजा के पूरे शहर को बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा बहुत कंपैरिजन दिल्ली और कोलकाता के बीच। दिल्ली और कोलकाता समेत इसका पार्ट 2 समेत हम और भी शहरों के वीडियोस और कंपैरिजन आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।